फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिगर ऑफ़ स्पीच के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एम के पार्ट फाइव को फ्रेंड्स ये सभी एम प्रीवियस एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स आप अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ एम नंबर एट्टी द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनलिटी टू इन एनीमेट थिंग्स इज नोन एज फ्रेंड्स हम मान लेते हैं इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी किसको किसको मान लेते हैं इन एनीमेट थिंग्स को तो वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी और ये डेफिनेशन भी है उसी चीज़ की करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परसोनीफिकेशन फ्रेंड्स परसोनीफिकेशन की डेफिनेशन ये है कि पर्सोनिफिकेशन इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इन एनिमेट थिंग्स नाओ एम सी क्यू नंबर एट्टी टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपस्ट्रोफ फ्रेंड कहा गया कि इन एग्जाम्पल में से कौन सा एग्जाम्पल जो है वह अपस्ट्रोफ का है ना गिव द आंसर फ्रेंड्स अगर आप जानते हैं तो करेक्ट आंसर बताइए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओ सोलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म ये जो है ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर है अपस्ट्रोफ फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ऑप्शन नंबर सी जो है एनजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है अगर आप जानते हैं तो करेक्ट आंसर आप हमें फ्रेंड कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए नाउ एम सी क्यू नंबर एट्टी थ्री वाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रेंड इन टू लाइन्स के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ओ जूलियस सीजर दाओ आर्ट माइटी येट बताइए कौन सा फिगर उस पीछे यहां पर आप अपर्स्ट्रॉफी ढूंढ रहे हैं तो वो तो यहां पर है नहीं करेक्ट आंसर यहां पर रिटोरिक नाउ एम सी क्यू नंबर एट्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर परसोनिफाइड कौन से वर्ड को परसोनीफाइड किया गया है यानी कि मानवीयकरण किया गया है किन वर्ड का आप ऑप्शन चेक कर लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर परसोनिफाइड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थर्स्टी अर्थ प्यासी पृथ्वी रिवेन काइड भी नहीं है विंड एज स्विफ्ट स्विफ्ट एज विंड भी नहीं है ऑनेस्ट थीफ़ भी नहीं है तो थर्स्टी यानी कि अर्थ को हमें थर्स्टी दिखाया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ एम सी नंबर एट्टी फाइव वर्ट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ इन द फॉलोइंग लाइन्स इन लाइन्स के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है दस लास्ट नाइट एंड नाउ नाइट मोर आई ले लेड विन दी स्लीप बाय द स्टील्थ फ्रेंड्स इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है वॉट फिल द आंसर यहाँ पर दिखाई दिया आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेनमेशन ठीक है तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी अप्रॉफी नाउ एम सी क्यू नंबर एट्टी सिक्स द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाय देयर साउंड इज कॉल्ड कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस ऑफ देयर साउंड यानी कि साउंड का सेंस अगर कहीं पर आता है तो वह किस फिगर ऑफ स्पीच में आता है फ्रेंड देखिए पॉस्ट्रॉफी में भी नहीं आता है और हाइपरबोर में भी नहीं आता है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनामेटोपोइया फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए नाउ एम सी नंबर एट्टी सेवन वर्ड फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन लेट नॉट एम्बीशन मोक देयर यूजफुल टॉयल लेट नॉट एम्बिशन मोक दे आर यूजफुल टोइल फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है लेट नॉट एम्बिशन मोक दे आर यूजफुल टोइल यहाँ पर जो है वो है फिगर ऑफ स्पीच ऑप्शन नंबर ए परसोनीफिकेशन मानवीकरण किया गया है एम्बिशन का नाउ एम सी क्यू नंबर एट्टी एट एन एम्बेसिडर इज अ जेंटलमैन हु लाइज ए ब्रॉड फॉर गुड फॉर हिज कंट्री पन फॉर द सेंटेंस इज ऑन दर्ड फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है ना इस लाइन में पन है पन फिगर ऑफ स्पीच है लेकिन पूछ रहे हैं कि पन फिगर ऑफ स्पीच जो है वह किस वर्ड की वजह से है वो आपको आंसर देना है बताइए कौन सा आंसर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइज ठीक है लाइज के यहाँ पर टू मीनिंग्स आ रहे हैं नाउ एम सी के नंबर एट्टी नाइन वॉट फिगर ऑफ स्पीच इन द मैन इज़ नो फूल द मैन इज़ नो फूल कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड अगर मैक्सिमम आपको कहीं पर नेगेटिव सेंस मिलता है तो वहाँ पर ज़्यादातर जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो होगी रिटोर्ट्स ठीक है द मैन इज़ नो फूल नाउ एम सी के नंबर नाइन्टी मिल्टन दाउसू डस्ट बी लिविंग एट दिस आवर फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है मिल्टन दस्ट बी लिविंग एट दिस आवर बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में ये तो आप जानने का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपस्ट्रॉफ फ्रेंड्स ये जो लाइन है ये लिखी है विलियम वर्सवर्थ ने और किस वर्क में लिखी है अगर आप ये जानते हैं तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए नाओ एम सी क्यू नंबर नाइन्टी वन वॉट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन ये लाइन है रास्कल्स एंड रॉक्स रन अ रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी एलिट्रेशन क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर आर 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 और आर यहाँ पर आर जो वर्ड है उसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है अगर किसी एक वर्ड का रिपीटिशन हो बार बार तो वहाँ पर होता है एलिट्रेशन फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए नाउ एम सी क्यू नंबर नाइन्टी टू वर्ड फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वूमेन फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ़ स्पीच है फिगर ऑफ स्पीच जो है फ्रेंड यहाँ पर वो है अपस ठीक है क्योंकि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर दिया हुआ है ठीक फ्रेंड ये जो लाइन ली गई हैं ये ली गई हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले से किस प्ले से ली गई हैं अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड ज़रूर बताइए नाउ एम सी के नंबर नाइन्टी थ्री द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग इज़ नोन एज फ्रेंड यहाँ पर साउंड की बात की गई है साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग इज नोन एज सो वॉट विल बी वि फिगर ऑफ स्पीच जी फिगर ऑफ स्पीच जो होगी यहाँ पर वो होगी ओनोमेटो पोहिया चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं नाओ एम सी के नंबर नाइन्टी फोर अ फिगर ऑफ़ स्पीच इन विच अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन टू अ थिंग और फ्रॉम वन वर्ड टू अदर टू विच इट डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग इज कॉल्ड फ्रेंड यहाँ पूछा गया है एक एडजेक्टिव वर्ड है वो हम कहीं और ट्रांसफ़र कर दीजिए कर दें तो वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी ये आप समझ गए यहीं ट्रांसफर्ड की बात हो जाती है तो ट्रांसफर्ड एपिथैट हो जाता है वहाँ पर

चलिए नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर नाइनटी सिक्स एल्यूजन इज एल्यूजन क्या है फ्रेंड रीड कीजिए आप इस ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड करेक्ट आंसर जो होगा यहां पर वो होगा ऑप्शन नंबर सी एन इनडायरेक्ट और पासिंग रिफरेंस टू सम इवेंट पर्सन प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क नाउ एमसी नंबर नाइनटी सेवन आ स्टेटमेंट विच में कंटेंस टू और मोर मीनिंग इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ स्टेटमेंट विच में कंटेन्स टू और मोर मीनिंग इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ़ एक स्टेटमेंट में जिसमें कई सारे मीनिंग निकल जाएँ वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा बहुत ईजी है एम्बिगुटी होगा वहाँ पर ये तो आप जाने गए होंगे और फ्रेंड ये एम्बिगुटी की डेफिनेशन भी है आई इस्टेटमेंट विच मे कंटेंस टू और मोर मीनिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिगुटी नाओ एम सी क्यू नंबर नाइन्टी एट अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन अ कम्पेरिज़न इज मेड बिटवीन टू अन लाइक क्वान्टिटीज़ विदाउट द यूज़ ऑफ द वर्ड लाइक और सो इज़ टर्म क्या कहा जाएगा उस फिगर ऑफ स्पीच को जहाँ पर कंपेरिज़न की जा रही है टू अन लाइक क्वान्टिटीज़ में और वर्ड यूज़ नहीं करते हम लाइक और एज ये तो हो गया आप मेटाफर इसको तो आप जाने गए हैं नाओ एम सी के नंबर नाइन्टी नाइन A ऑन वर्ड्स वेयर इन अ वर्ड इज यूज टू कन्वे टू मीनिंग्स एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड जाहिर सी बात है ये भी आप समझ गए हैं play ऑन वर्ड्स यहाँ अगर a play ऑन वर्ड्स ही आ जाए ना तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर पन है इस वर्ड को याद कर लीजिए play ऑन वर्ड्स जहाँ भी ये आए वहाँ समझ लीजिए पन है वहाँ पर नाउ एम सी क्यू नंबर हंड्रेड पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम वॉट विल बी आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपस्ट्रोफ फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहां पर हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू